हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीएम्बल। हिंदी में इसको उद्देशिका कहते हैं। प्रीएम्बल में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सबके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम केस लॉ भी देखते चलेंगे। अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं तो आपको केस लॉ इनके साथ आना चाहिए, ठीक। और अगर आप यूपीएससी बीपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इनकी मीनिंग वगैरह पता रहना चाहिए। तो प्रीएम्बल सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया प्रीएम्बल का, प्रस्तावना लाया, ठीक। प्रीएम्बल का जो अडॉप्शन है वो 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, ठीक। उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके मीनिंग के साथ और विद केस लॉ। बने रहे वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, प्रीएम्बल का मतलब क्या है, प्रीएम्बल का बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो प्रीएम्बल को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक केस बताया गया है, केस के हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा केस के बारे में चर्चा करेंगे। री बिरुबरी केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बिरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है दोस्तों। ये केस कब आया था, तो ये AIR 1960 में केस आया था, री बिरुबरी केस, ठीक है ना। यहाँ पर आपका इसका फैक्ट मैंने पहले वीडियो कई बना चुका हूँ इसके फैक्ट के अंदर, आप लोग जाके देख लीजिए कि इसका फैक्ट कुछ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से रिलेटेड रहता है। बिरुबरी जो एक स्टेशन होता है उसके उसके लिए उससे केस रिलेट करता है। तो इसके अंदर ऑब्जर्व किया गया है कि प्रीएम्बल सिर्फ बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट कहता है इस केस के अंदर कि प्रीएम्बल जो है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये एक ऐसा की है जो फ्रेम वर्कर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आना चाहिए कि इनको इंक्लूड करके हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक किताब बनाना है जिससे एक देश चले, ठीक है दोस्तों। प्रीएम्बल से दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, क्या प्रीएम्बल आर्टिकल 368, सभी को पता है कि आर्टिकल 368 में संशोधन यानी अमेंडमेंट के बारे में बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट करना होगा तो आर्टिकल 368 के प्रोसीजर से गुजरेगा। तो क्या प्रीएम्बल के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर केशवानंद भारती केस है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। केशवानंद भारती वन ऑफ द लीडिंग केस ऑफ इंडिया, बहुत ही बड़ा केस है और 500 प्लस पन्नों का जजमेंट है इसका। तो इस केस के अंदर ये 1973 का केस होता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है प्रीएम्बल के अंदर, क्योंकि प्रीएम्बल जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक ये इंडेक्स है कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा नंबर कि प्रीएम्बल को एक बार अमेंड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ठीक है ना। इस 42nd अमेंडमेंट में जो जो वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और फ्रेटर्निटी को ऐड किया गया था, तो अब इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इन वर्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं प्रीएम्बल का। देखिए तो बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हम जानते हैं पहले, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया का जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला था कि पीपल का मतलब है कि एक स्टेट नहीं है, ये इंडिया के लोगों के बारे में बात कर रहा है, नोट स्टेट। पीपल मीन्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक केस लॉ आता है, उषा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस 2014 का है। इसके अंदर बी द पीपल ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बताया है, तो उषा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मेक द पीपल सुप्रीम थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जो पीपल है, जो जनता है, वो सुप्रीम रहेगा, ठीक। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बी द पीपल का यहाँ पर इंडिकेशन दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट क्रिएटेड बाई स्टेट, स्टेट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, नोर बाय द पीपल, पीपल के द्वारा नहीं बना है, नोर ऑफ द सर्वल स्टेट, स्टेट के जितने पीपल्स हैं उनके द्वारा नहीं बनाया गया, बट बाय द पीपल ऑफ इंडिया इन एग्रीगेट कैपेसिटी, और जितने भी इंडिया के लोग हैं उनके द्वारा,
उनका एग्रीगेट कैपेसिटी यानी कि उनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वर्ड आता है सोलोमनी रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यानी कि इंडिया को इन सब वर्ड में, मतलब इंडिया को इस तरीके से बनाना है, सॉवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है। तो देखिए सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक, पहले तो सोशलिस्ट और सेकुलर और फ्रेटर्निटी जो कि 42nd जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 का, इसके जरिए जो अमेंडमेंट पहली बार प्रीएम्बल के अंदर किया गया था, जो सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है और डेमोक्रेटिक क्या होता है। देखिए पहला जो वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड है संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में कहा गया है सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल विद इन इट ऑन स्पेयर, यानी कि इंडिया के ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं रहेगा, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या जो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। इंडिया के पास अपनी पावर है डिसीजन लेने के लिए, वो कुछ भी करे तो वो अपने ऊपर डिसीजन लेगी, अपने तरीके से डिसीजन लेगी, अपने रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लाइज करेगी। एक कूले वर्ड जो कूले हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, इन्होंने दिया अ स्टेट इज अ सॉवरेन व्हेन दिस देयर रिसाइड विद इन इट सेल्फ अ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर एक्नॉलेजिंग नो सुपीरियर। देखिए इन्होंने भी कहा है कि एब्सोल्यूट पावर रहेगा इंडिया के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर रहेगा और वो उसके ऊपर कोई सुपीरियर गवर्नमेंट नहीं रहेगी या फिर कोई सुपीरियर कोई देश अलग नहीं रहेगा जो इंडिया को कंट्रोल किया जाना चाहिए। यानी कि सॉवरेन का मतलब है कि एक इंडिया स्टेट होगा जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, जो स्टेट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो देश को चलाएंगे, वो डिसीजन लेंगे। देखिए सोशलिस्ट वर्ड, सोशलिस्ट हमने पता चल कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, तो सोशलिस्ट का सीधा मतलब निकलता है कि ये एक गोल, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, गोल ऑफ द स्टेट इन इंडिया टू सिक्योर अ बेटर लाइफ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सोशलिस्ट का वैसे देखा जाए तो सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग आता है, लॉ के कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग आता है। तो यहाँ पर है कि हम ऐसा एक सोसाइटी बनाएं जो कि इंडिया के लोगों को जो है सिक्योर लाइफ दे और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी दे हर एक चीज़ में। ठीक है, सेकुलर का क्या मतलब है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है। ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी स्टेट है, जो हमारा आर्टिकल 12 है, ठीक है ना, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट डिफाइन किया गया है, कोई भी स्टेट होगा वो किसी भी रिलीजियस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, यानी कि वो किसी भी रिलीजियस के बेस पे नहीं चलेगा, वो इक्वल ट्रीटमेंट देगा हर एक धर्म को, हर एक रिलीजियस को। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। देखिए दोस्तों सेकुलर के ऊपर दो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस लॉ है संत, इस केस के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में चर्चा की प्रीवियस वीडियो में, संत जेबियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक, ये केस है 1974 का, एडमिशन से रिलेटेड केस लॉ है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती जो स्टेट है, स्टेट यानी कि जो आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, और स्टेट एक यूनिवर्सिटी स्टेट होता है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी व्यक्ति को एडमिशन देने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर इसके बाद केस आता है IR कोल्हे वर्सेस स्टेट ऑफ, एक मिनट में आपको अच्छे से लिख देता हूँ, IR कोल्हे, यही केस है शायद से, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है ना, इस केस लॉ में बताया गया है कि पार्ट थर्ड जो है हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, अगर यहाँ पर हमें सेकुलरिज्म नहीं मिलता, अगर यहाँ पर हमें राइट टू रिलीजियस नहीं मिलता तो इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो आर्टिकल 25-29 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, तो इसी के अंदर पार्ट थर्ड के अंदर बताया गया। ठीक है ना, जो हमारा 12-35 तक हम लोगों का आता है फंडामेंटल राइट। ठीक, तो IR कोहले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट ने हेल्ड किया था, जो कि सेकुलरिज्म होगा पार्ट थर्ड में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। ठीक है ना, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ डेमोस का क्या मतलब होता है, तो डेमोस का मतलब होता है द पीपल। ठीक है ना, जनता। ठीक, और क्रेटिस का क्या मतलब होता है, तो अथॉरिटी, यानी कि जनता की अथॉरिटी, पीपल्स की अथॉरिटी। अब्राहम लिंकन ने कहा ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए ही। ठीक, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक का ये मतलब है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है,
किस केस में डिफाइन किया गया है, तो डेमोक्रेसी का एक केस लॉ आता है मोहन लाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राय बरेली 1993। इसके अंदर जो है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बताता है पॉलिटिकल फिलोसफी के बिहाफ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये केस उतना इम्पोर्टेंट है बट डेमोक्रेसी रिलेटेड है तो आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद वर्ड आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का क्या मतलब है, देखिए रिपब्लिक का क्या मतलब है कि एक टाइप का गवर्नमेंट, एक टाइप का गवर्नेंस है कि जिसका जो हेड है वो मोनार्की बेस्ड नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे कि इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड में मोनार्की बेस्ड वहाँ पर हेरिडेटरी चलता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, क्वीन रहेगी तो क्वीन क्वीन ट्रांसफ़र होता रहेगा, उनका हेरिडेटरी जनरेशन टू जनरेशन बनते रहेंगे। ठीक है ना, बट इंडिया के अंदर क्या है कि जो हेड होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसी ना किसी तरीके से लोगों के द्वारा ही चुना गया होगा। ठीक, तो यहाँ पर है गणतंत्र, जिसका मतलब होता है साफ शब्दों में हम कहें कि यहाँ पर जो सुपीरियर होगा, जो हमारा हेड होगा रिपब्लिक के अंदर, वो कोई भी किंग नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी एक जनरेशन से ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा। ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये वर्ड आते हैं। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होना चाहिए, लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीव और फेथ होना चाहिए, इक्वालिटी स्टेटस अपॉर्चुनिटी, इसका क्या मतलब होता है अभी जानते हैं। देखिए जस्टिस यानी कि न्याय होना चाहिए किसी को सोसाइटी के प्रति, सोशल जस्टिस यानी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है ना, सभी को वेलफेयर लेने का अधिकार है, मतलब साफ पानी, ठीक है ना, क्लीन वाटर लेने के लिए अधिकार है। ठीक, जस्टिस सिस्टम से कोई जस्टिस न्याय लेने का अधिकार है, कोई अगर विक्टिम है तो उसको अपना न्याय, समाज से न्याय मिले। ठीक है ना, समाज में बन के चले। इकोनॉमिक का मतलब है कि किसी को बिजनेस करने का अधिकार होना चाहिए, जैसे कि हमारे आर्टिकल 19F में शायद आता है बिजनेस करने का अधिकार। ठीक है ना, ट्रेड कॉमर्स करने का अधिकार। ठीक, और किसी को जो है कंपनी बनाने का अधिकार, मतलब जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है कि किसी को पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में आने का मतलब होना चाहिए, वो आ सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको। ठीक है ना, एडल्ट सरफ्रेज है आर्टिकल 326 जो आर्टिकल है एडल्ट सफ्रेज, कि सबको मताधिकार देने का अधिकार आता है। तो ये होता है जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए यहाँ पर लिबर्टी की बात कर रही है, तो लिबर्टी का क्या है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। देखिए यहाँ पर दो तीन वर्ड है, लिबर्टी ऑफ थॉट, हम क्या भी सोच सकते हैं, हम लिबर्टी दो एस्पेक्ट में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो हम पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हैं, कोई हमें मना नहीं कर सकता, हम नेगेटिव वे में भी सोच सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है ना, हम एक्सप्रेस जो है पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं और नेगेटिव वे में कर सकते हैं। हम प्रधानमंत्री को जो है कुछ अब्यूजिंग वर्ड भी बोल सकते हैं तो नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव वे में उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। ठीक, हमारा बिलीफ क्या है वो हम पे डिपेंड करता है, हमें लिबर्टी मिली है कि हम क्या सोचते हैं। फेथ एंड वर्शिप, जैसे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में डिफाइन किया गया है 12 से 35 तक, उसके बीच में 25 से लेकर 29 तक के बीच में फ्रीडम और रिलीजियस है। ठीक है ना, हमें फेथ और वर्शिप करने का इजाज़त, हम कुछ भी पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी को भी डिनाई कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकता कि नहीं तुम्हें यही करना है। इक्वालिटी की बात कर लेते हैं, देखिए इक्वालिटी की बात करते, जैसे कि आर्टिकल 16 है, ठीक है ना, आर्टिकल 16 में पहले तो आर्टिकल 14 to 19 ले लेते हैं। ठीक है ना, इन सब आर्टिकल्स में क्या दिया गया है, तो इन सब आर्टिकल्स में दिया गया सभी को राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। ठीक है ना, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जैसे कि आर्टिकल 15 में 17 में अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, तो ये इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 में जो है बैन किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कास्ट, जेंडर और सेक्स पे, तो ये सब चीज़ें जो है इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है ना, आर्टिकल 16 के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब की बात करता है। तो यहाँ पर इक्वालिटी के बारे में हमारे प्रीएम्बल में इतना कुछ दिया हुआ है शॉर्ट में। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है, ये भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था।
ठीक है ना। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि यूनिटी दिखना चाहिए। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से लगना चाहिए, हमें फीलिंग आना चाहिए कि वी पीपल आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम सोइल, हम एक ही माटी के, हम एक ही देश के हैं। तो ये फ्रेटर्निटी आता है, ये हमारे अंदर एक जज्बा आता है। तो वही वर्ड है फ्रेटर्निटी को डिफाइन किया गया यूनिटी और डिग्निटी के लिए। यहाँ पर हमारा जो संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल को अडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया था। उसके बाद जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, और आई होप कि अब इसमें कोई केस लॉस नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि और किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग। और जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हैव अ नाइस डे।